राजनीति से जुड़े तीन तथ्यों पर चर्चा करेंगे। दुष्यंत चौटाला की जसपा और भाजपा के गठबंधन पर एनडीए की मोहर, इसके फायदे किसे होंगे और किसे होगा नुकसान, तो हम आज चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं जसपा और भाजपा के गठबंधन टूटने की कई दिनों से चली आ रही खबरों पर, आज पूरी तरह से विराम लगने पर। दोस्तों, राजनीति में कई बार स्थिति होलिका दहन के समय प्रहलाद जैसी हो जाती है। यही हालात भाजपा में से जसपा की जसपा को निकालने वालों की हो गई है। आज उस बात पर हमेशा के लिए विराम लग गया है कि भाजपा जसपा गठबंधन कब टूटेगा, क्योंकि कांग्रेस के झंडे तले देश भर की विपक्षी पार्टियों के सामने भाजपा के साथ ज्यादा से ज्यादा पार्टियां दिखाने की मजबूरी में भाजपा ने जननायक जनता पार्टी को एनडीए का हिस्सा बना लिया है। जसपा के नेता और दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला एनडीए की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा इकाई में जो लोग हर हाल में जसपा से पीछा छुटवाना चाहते थे, उनका शांत बैठना ही होगा या फिर कांग्रेस के साथ मिलकर कुछ नया गेम खेलना होगा। क्योंकि एनडीए का हिस्सा बनने के बाद भले ही लोकसभा में जसपा को एक या दो सीट मिले, फायदे में वही रहने वाली है। और ये सीटें भी संभावना इसी बात की है कि भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार या सिरसा में से एक हो। इसी तरह विधानसभा में से भी जसपा सीटें बांटेगी तो निश्चित है जितनी टिकटें भाजपा उसको देगी उतनी ही जगहों पर भाजपा के प्रत्याशी लवारिस हो जाएंगे और दूसरी पार्टियों में जाना उनकी मजबूरी हो जाएगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो जसपा के खिलाफ अभियान की अगुवाई कर रहे थे, उनको सोचना पड़ेगा कि अब उन्हें क्या करना है। विप्लव देव या धनखड़ वगैरह तो रातों रात अपनी स्टेटमेंट बदल लेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ये कहने में कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो किया है वो सोच समझ कर ही किया होगा। वहीं अगर देश की ओर देखें तो कुल मिलाकर पूरे देश में सूरत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा के साथ 29 दल तो राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ 26 दल दिखाई देंगे। अभी जैसे जैसे मीटिंगें होगी वैसे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां दो दड़ों में बट जाएगी। एक दड़ा तो होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहता है और एक दड़ा वो होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में लाना चाहता है। चौधरी चरण सिंह के पोते और चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने की अफवाहों और अटकलों पर आज विराम लग गया है, क्योंकि जयंत चौधरी ने विपक्षी दलों के साथ जाने का रास्ता चुना है और वो बेंगलुरु पहुंच गए हैं। ये बहुत ही मुश्किल रास्ता है। काफी समय से उनके भाजपा में जाने और उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री तक बनाने की बात हो रही थी, लेकिन जयंत चौधरी आज सारे कयासों को खत्म कर दिया है। विपक्षी दलों की बैठक में पहुंचकर अगर वो एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज सत्ता उनके कदमों में होती, लेकिन कुछ लोगों को संघर्ष के रास्ते पसंद होते हैं और शायद जयंत चौधरी अभी संघर्ष के रास्ते पर है। दरअसल पिछले दिनों जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया था कि जिसमें उन्होंने लिखा था कि चावल खाने ही हैं तो खीर खाओ। इसके बाद लोग ये अनुमान लगाने लगे कि भाजपा में जाने वाले हैं, लेकिन अब जयंत चौधरी ने साफ कर दिया कि वो खीर अपने घर की बनी हुई ही खाना पसंद करेंगे। रही बात हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल की, तो तमाम राज तैयारियों के बावजूद भी निर्लो को अभी इंतजार करना होगा कि केसी त्यागी और नीतीश कुमार की सलाह पर ओम प्रकाश चौटाला ने बेंगलुरु जाने का कार्यक्रम टाल दिया। इनेलो के बेंगलुरु जाने में दो तरह की दिक्कत थी। पहली तो ये विपक्षी दलों की पहली बैठक का आयोजन पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन बेंगलुरु की बैठक का आयोजक कांग्रेस पार्टी का है, इसलिए नीतीश कुमार जी ये नहीं चाहते कि इनेलो बैठक में शामिल हो बिना बुलाए हुए। और दूसरे ये था कि इनेलो पार्टी विपक्षी दलों का हिस्सा तभी बन सकती है जब राहुल गांधी इसकी इजाजत दें। राहुल गांधी हरियाणा को उन प्रदेशों में देखते हैं और उनकी राजनीति का भी हिस्सा है, जहां कांग्रेस से मानकर चल रही है कि हरियाणा में जब भी भाजपा का विकल्प जनता देखेगी तो वो कांग्रेस का ही होगा। इसलिए किसी और पार्टी का साथ लेने से पहले वो 100 बार सोचेंगे। इसलिए इनेलो को फिलहाल दूसरी बैठक से अलग कर रख दिया गया है। तीसरी मीटिंग दिल्ली में होगी, वो तब इनेलो के लिए अंतिम चांस होगा, लेकिन मुझे यह अब ये बहुत दूर की बात लगता है। फिलहाल तो इनेलो जसपा को एनडीए का हिस्सा बनते और विपक्षी दलों की बैठक को दूर से ही देखने में मजबूर रहेगी। रही बात कांग्रेस हरियाणा में नेताओं की, तो इनेलो के शामिल करने के मसले पर करीबन सारे गुट जिनमें भूपेंद्र सिंह, हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी समेत सारे एकजुट हैं कि कांग्रेस को प्रदेश में किसी के साथ गठबंधन करना नहीं चाहिए। ऐसे में इनेलो की विपक्षी दलों के साथ शामिल होने की मुहिम सिरे चढ़ने की संभावनाएं अब ना के ही बराबर हो गई है। दीपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया है कि अभय चौटाला तो भाजपा से हाथ मिलाने में 6 मिनट भी नहीं लगाते, ये उसी राजनीति का हिस्सा है, इनेलो यूपीए में शामिल ना हो पाए। हालांकि राजनीति में यह संभव कुछ ही नहीं है, अगर नीतीश कुमार पुरानी दोस्ती निभाएंगे तो नीतीश की अपनी प्राथमिकताएं पहले रहेगी, पहले हर कोई अपने बारे में सोचता है। आप भी कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।